हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक। फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में एक बैड न्यूज है एक रॉयल इनफील्ड की तरफ से जो अभी आ रही है सुनने को। एक अपडेट आज आप लोगों को देने वाला हूँ रॉयल इनफील्ड की तरफ से। वो अपडेट क्या है दोस्तों? वो है बुलेट 350, जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, या बुलेट 350ES या बुलेट 350X। इनके ऊपर जो वेटिंग पीरियड है वो बढ़ चुका है काफ़ी ज़्यादा। एक ये अपडेट आ रहा है, तो आज इस वाली वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। अप्रैल 2022 में क्या इनके प्राइजेस बढ़े हैं क्या नहीं बढ़े हैं रॉयल इनफील्ड के सभी मॉडल्स के, एक वो भी आज मैं आप लोगों को बात बताऊंगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो होने वाली दोस्तों इस वाली वीडियो को एक लाइक करना। एंड चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है रॉयल इनफील्ड की तरफ से कि ये जो बुलेट 350 है स्टैंडर्ड, बेसिकली जो स्टैंडर्ड है इसका जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टैंडर्ड प्लस जो बुलेट 350ES है, जो इलेक्ट्रा वाला वेरियंट है, इसका जो वेटिंग पीरियड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। अब ये जो मैं बात आज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये दिल्ली के बता रहा हूँ, जो दिल्ली में जो इनका वेटिंग पीरियड बढ़ चुका है। अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हैं वाली वीडियो, तो मेरे को प्लीज़ आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं एंड आपके स्टेट में कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके उससे। सो फ्रेंड्स, जो दिल्ली में वेटिंग पीरियड है, पहले जो उसका वेटिंग पीरियड अभी चल रहा था कुछ दिनों पहले, ये भी लास्ट मंथ जो चल रहा था बुलेट 350 का, वो मात्र 20 से 25 दिन या एक महीना एक महीना चल रहा था। लेकिन अब दोस्तों क्या हो गया है, जो उसका वेटिंग पीरियड है वो डेढ़ डेढ़ दो दो महीना तक भी जा रहा है बुलेट 350 का। अब वो क्यों जा रहा है दोस्तों? जैसे कि आप सबको पता है, अभी जो बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन है, इसकी जो इमेजेस हैं वो सामने आ चुकी हैं, लीक इमेजेस बाहर आ चुकी हैं अभी इसकी। जो लोग वेट कर रहे थे, जो लोग रुके हुए थे बुलेट 350 की नेक्स्ट जनरेशन को देखने के लिए, लेने के लिए, अब उनको ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को जो बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन है वो पसंद नहीं आई है। तो लोगों ने क्या किया, जो लोग वेट कर रहे थे कि नया मॉडल आएगा हम उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये लें कि नहीं वाला लें। अब लोग अब क्या कर रहे हैं, जो नया वाला वेरिएंट है उसके लिए वेट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। अब लोग जो अभी बुलेट 350 है, जो अभी करंटली मार्केट में आ रहा है, जो अभी UCE इंजन, इसकी तरफ ही जा रहे हैं एंड इसी की तरफ ही अभी शिफ्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर जब हैवी डिमांड एकदम से आ गई है, तो इसके लिए वेटिंग पीरियड भी दोस्तों बढ़ चुका है। अब आपको दिल्ली में ये वाली बाइक दोस्तों एक महीने से लेकर डेढ़ दो महीने तक भी आप लोगों को वेट करने में वाली बाइक मिलेगी। पहले 20-25 दिन एक महीने के अंदर अंदर आपको बाइक मिल जा रही थी, लेकिन अब जो उसका वेटिंग पीरियड है वो बढ़ चुका है। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये है कि जो इसके प्राइसेस हैं अप्रैल में बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। देखिए दोस्तों, अभी पहले सुनने को आ रही थी कि जो उनके प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, बढ़ने वाले हैं, एक दो दिन में अभी आ जाएंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल अभी ऐसे कोई भी प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़े हैं अप्रैल में। अभी तक ऑफिशियली रॉयल इनफील्ड ने कोई भी प्राइसेस अभी इंक्रीज नहीं किए हैं। जो एक बाइक की वारंटी होती है वो एक थोड़ी सी बढ़ गई है, बाकी आप लोगों को ऑन रोड प्राइसेस जो एग्जैक्टली मिल रहे थे वो ही मिलेंगे, लेकिन जो वारंटी होती है वो बढ़ गई है कंपनी की तरफ से। अगर आप बाइक लेंगे तो आप लोगों को जो वारंटी है वो एक्सटेंडेड वारंटी दी जाएगी रॉयल इनफील्ड की तरफ से, बट उसमें प्राइसेस आपको वही मिलेंगे जो अभी फिलहाल दिल्ली में ऑन रोड प्राइसेस जो चल रहे हैं। एंड एक्सोरूम प्राइस हर स्टेट का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो जो एक्सोरूम प्राइस था वो यही रहेगा। अभी जो बुलेट 350 आ रही है, इसका एक्शोरूम प्राइस आप लोगों को 1,55,000 रुपीज़ मिल रहा था। अभी भी अप्रैल में भी इसका प्राइस यही है। रॉयल इनफील्ड ने अभी इनके प्राइजेस नहीं बढ़ाए हैं एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है रॉयल इनफील्ड ने जो प्राइजेस नहीं बढ़ाए हैं, नहीं तो अप्रैल में भी जो रॉयल इनफील्ड की सेल है वो डाउन चली जाती। एक तो वेटिंग पीरियड इतना बढ़ गया दोबारा से, एंड इनके अगर प्राइसेस भी बढ़ा दिए जाते तो लोग वाक अब इसको नहीं परचेस करते। तो एक अच्छी बात है कि रॉयल इनफील्ड अभी तक इनके प्राइसेस हाइक नहीं करे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी आज की। दो अपडेट आए थे रॉयल इनफील्ड की तरफ से, तो आप लोगों के साथ वो शेयर करने थे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी हो या कुछ भी आप लोगों को सीखने को मिला हो, तो इस वाली वीडियो को एक लाइक प्लीज़ जरूर करते जाना। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर कर सकते हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।